सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जिस टाउन में रह रही हूँ यहाँ पे ये बहुत छोटा है कनाडा में और जो जॉब मैं कर रही हूँ अभी मैं सेटिस्फाइड हूँ उससे बिल्कुल खुश भी हूँ वर्किंग इन्वायरमेंट सब कुछ बहुत अच्छा है लेकिन मैं अपने आप को इसी पोजीशन में या इसी कंपनी में नेक्स्ट फोर टू फाइव इयर्स में देख रही आई वांट टू फुलफिल माय डिजायर्स एंड आई वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन माई सेल्फ Not on any job. So, मेरा कुछ है कि मेरे पास कौन सी अपॉर्चुनिटी आ सकती है या मैं कुछ देख सकती हूँ जिससे मैं अपना कुछ अपना कुछ कर सकती हूँ बिजनेस में इंटरेस्टेड है आप जॉब नहीं करना चाहते हैं बिजनेस करना चाहते हैं सो माई क्वेश्चन टू यू इज की ये आपके लिए कौन डिसाइड करेगा की आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए कौन सा नहीं क्यूँकी देर आर मिलियंस ऑफ बिजनेस अक्रॉस द ग्लोब मतलब लाखों करोड़ों तरह के बिजनेसेस हैं जो लोग करते हैं अलग अलग तरीके से तो अगर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे गूगल पे जाकर के कि अभी आप फॉर एग्जांपल कनाडा में हैं तो कनाडा में किस किस तरह के लोग बिजनेसेस करते हैं जो कि घर से ही स्टार्ट किया जा सकता है जिसमें कि बहुत ही बेयर मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें आप आराम से बैठे बैठे अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं और आजकल तो वैसे ही सब कुछ वर्चुअल हो गया है तो यू विल गेट सम आइडियाज आउट ऑफ दैट

सो so, मुझे ये नहीं समझ आता कि मैं कैसे करूँ वो चीज वैसे भी ये जो आप बोल रहे हैं ना बेसिकली ये जो कंपनीज के आपके पास में फोन आते हैं एक तो आप ध्यान रखिए कहीं पर भी अपना नंबर मत दीजिए मैं जो कह रहा था आपको वो मैं ये कह रहा था कि आपको जनरल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बहुत सारी वेबसाइट से कि आज की डेट में यानी 2021 में कौन कौन से बिजनेसिस हैं जो कि काफी ल्यूक्रेटिव है क्योंकि जरूरी नहीं है जो बिजनेस बीस साल पहले चलता था वो आज भी चलता होगा या उसी तरह से चलता होगा सो देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन डू जिसमें आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा देखो अपने से शुरू करो हमेशा क्योंकि कोई प्रॉब्लम जो आपने फेस करी है ना उसका सोल्यूशन आप बहुत आराम से निकाल सकते हो जैसे अभी आप एक घर में हो तो ये घर रेंट पे है या आपका अपना है रेंट पे सर रेंट पे है तो लोगों को घर रेंट पे चाहिए क्या ये नीड है या ये कोई डिजायर है कि बिना इसके भी काम चल सकता है हाँ नीड है ये नीड है ये ये हर एक को चाहिए, जैसे बोलते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, तो घर हर एक को चाहिए रेंट पे, तो क्या हो अगर जो लोग घर रेंट पे ढूंढ रहे हैं, वो कैसे ढूंढते हैं? आपने कैसे ढूंढा? ये घर रेंट पे कैसे ढूंढा आपने? कैसे मिला आपको? जी जी पे जा सर्च किया था। That's like a search engine? It's it's like online site. आपने फिर आपने ये घर देखा और हो सकता है और भी घर देखे होंगे बट आपको ये पसंद आया लोकेलिटी वाइज ओवरऑल इंटीरियर वाइज और फिर आपने इसको फाइनलाइज कर दिया आपके बजट में भी आ रहा था तो ये जो प्रॉब्लम आपने फेस करी क्या ये और भी लोग आपके जैसे जो है वो फेस कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे कि घर चाहिए जो अच्छे बजट में हो प्लस कुछ ऐसा हो जाए कि हमको बीस जगह धक्के ना खाने पड़े यानी बीस अलग अलग जगह जा करके दूर दूर देखना ना पड़े वहीं बैठे बैठे मोबाइल पे बीस मिनट में हम बीस घर देख लें क्या ये नीड है या नहीं है अपने ऊपर रख करके देखो अगर आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है या ऐसा कोई ऑप्शन मिलता है आप उसको चूज करोगे या नहीं करोगे नहीं। करोगे ना तो अब सवाल उठता है इसको कैसे करें देखो प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी जो वहां पर पॉपुलर होंगी कैनेडा में जैसे इंडिया में कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि प्रॉपर्टी की लिस्टिंग करती हैं चाहे प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे चाहिए चाहे खरीदनी है चाहे खरीद कुछ भी है अभी शुरू में आप बहुत ही टारगेटेड कर सकते हो अपनी जो मार्केटिंग है उसको यानी कि क्या कि अगर किसी को घर रेंट पे चाहिए दैट टू इन दिस पर्टिकुलर बजट

तो हम सिंपल करते चले जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को तो आपने क्या किया आपने जाकर के उन लोगों को बोला कि आप अपना घर रेंट पे देना चाहते हैं यानी वो लोग जिन्होंने जो खुद ओनर है और डायरेक्टली अपने अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट किया हुआ है रेंट पे देने के लिए तो शुरू में आप रेंट से शुरू कर सकते हैं बाद में सेल में भी जा सकते हैं जहां पे मार्जिन बहुत ज्यादा है मानो एक घर एक्स अमाउंट का है उसका एक परसेंट भी आपको मिलता है तो कितना अमाउंट हो जाता है तो अब आपने क्या किया ओनर को बोला आपको मुझे कुछ पैसे नहीं देने हैं आपका घर रेंट पे आप चाहे तो डायरेक्टली चढ़ा ले नहीं तो आई एल हेल्प यू आउट विद दैट बट आई नॉट टेक एनी थिंग फ्रॉम यू आप पैसा किससे लेंगे जो लोग घर रेंट पे लेने वाले हैं आप क्यों लेंगे उनसे पैसा और वो आपको क्यों पैसा देंगे क्योंकि आप बेसिकली क्या कर रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पे गए जहां पे आपने अपनी लिस्टिंग करी जितने भी घर आपने आइडेंटिफाई किए मानो शुरू में दस ही किए जो अच्छे आपको पर्सनली लगे आपने कहा ये बजट भी अच्छा है और सब कुछ बढ़िया है इसमें ये दस बेस्ट ऑप्शंस हैं आउट ऑफ फिफ्टी ऑप्शंस विच आर देयर Area, पूरी इंफॉर्मेशन लिख दी रेलवे स्टेशन इतना दूर है ये इतना दूर है वो इतना दूर है वट ये जो कॉरिडोर है बस का वो यहाँ पे है वहां पे है वॉट जो भी उसकी लोकैलिटी है और है वो सब आपने पूरा डिटेल में रिसर्च कर ली उन दस घरों के ऊपर फिर उन दस घरों को लिस्ट कर दिया उन वेबसाइट्स पे वो

हाँ आना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम पहले मैं आपको जितने भी ऑप्शन है मेरे पास में आप उनको एड्रेस नहीं दे रहे हैं बट आप मोटा मोटा बता रहे हैं कि ये लोकैलिटी है ये है वो है ये दस ऑप्शन है आप देख लीजिए और व्हाट्सएप पे आप पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन उनको भेज रहे हैं यानी वीडियोस भेज रहे हैं जिसमें उनको पूरा पता लग रहा है कितने बेडरूम है कैसा वॉशरूम है बैल्कनी कैसी है, है या नहीं है क्या है क्या नहीं है सारा कुछ डिटेल में क्योंकि आपने खुद ने एक घर लिया है रेंट पे तो आपको सब पता है क्या होता है कैसे होता है तो जो भी जो पर्सन रेंट पे घर लेना चाहता है उसको जो चाहिए होता है वो सब आपने उनको व्हाट्सएप कर दिया और दस ऑप्शन व्हाट्सएप कर दिया अब उस दस में से उनको दो पसंद आए उन्होंने कहा मुझे दो अच्छे लग रहे हैं तो आपने बोला ठीक है आई गो अलॉंग विद यू वहां पर मैं जाऊंगी और पहले ही आपने अपनी टर्म्स क्लियर कर दी कि बेसिकली जब भी आप अपना घर फाइनल करेंगे तो आई टेक वन मंथ ऑफ रेंट फ्रॉम यू फॉर माय सर्विसेज जैसे जॉब प्लेसमेंट में होता है जो प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं अगर वो कहीं पे आपकी जॉब लगवाती हैं तो वो एक महीने का लेती है ना आपसे सैलरी या एम्प्लॉयर से लेती है तो आप उनसे बेसिकली एक महीने का वो ले रहे हो फॉर ऑल द दैट यू आर गिविंग इट टू काम तो मान लो अगर आपके घर का रेंट है मैं अज्यूम करता हूं कितना अज्यूम क्या करना है आपसे पूछ ही लेता हूं कितना होगा रेंट नियर अबाउटेंड थाउजेंड कैनेडियन डॉलर राइट थाउजेंड डॉलर अगर आपको एक पर मिलता है तो अगर एक महीने में इस तरह से आपने ज्यादा नहीं मैं कहता पांच डील भी क्लोज करी तो एक महीने कितना कमा लिया आपने फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड डॉलर इज इट गुड इनफ या कम है अच्छा है बहुत अच्छा है ओके okay. बट इसमें से आप मानो ये पूरा आपके हाथ में नहीं आएगा क्योंकि कुछ एक्सपेंसेस भी इसमें से जाएंगे उसी को बिजनेस कहते हैं क्योंकि कुछ एक्सपेंसेस कटेंगे ना आप आ रहे हो, जा रहे हो हो जा उसमें आपका फ्यूल भी लग रहा है आपको ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग और ये लिस्टिंग लेने के पैसे लगेंगे बस। तो पांच हजार डॉलर में से मोटा मोटा हजार डॉलर वो हटा दो चार डॉलर मोटा मोटा आपका मार्जिन है महीने का ये स्टार्टिंग है अगर ये काम चल जाए तो आप अपनी टीम भी रिक्रूट कर सकते हो एक पर्सन को रिक्रूट करो जिसको आप हजार डॉलर या दो हजार डॉलर दोगे महीने का और अब आप एक से दो हो गए यानी अभी तक आप अकेले थे तो आप चार हजार डॉलर का या पांच हजार डॉलर का काम का का कर रहे थे अब आप दस हजार डॉलर का काम का कर सकते हो ऐसे काम बढ़ता है तो दस हजार डॉलर में से दो हजार डॉलर सैलरी हटा दो प्लस दो हजार डॉलर मार्केटिंग हटा दो अब आपकी कमाई बढ़ करके कितनी हो गई छे हजार डॉलर और ये जो मैं आपको बोल रहा हूं ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है करना बहुत ही आसान है क्योंकि बड़ा ही प्रैक्टिकल है इसमें करना कुछ नहीं है बस थोड़ा सा एफर्ट करना है और आप कहां तक कितना कमा सकते हो कोई लिमिट ही नहीं है क्योंकि सोचो ना हर महीने कितने लोग घर रेंट पे लेते होंगे लाखों लोग या चलो आपकी लोकेलिटी की बात करते हैं पूरे कनाडा की बात नहीं करते आपकी लोकेलिटी में मान लो हजारों लोग लेते होंगे रेंट पे घर विद इन रेडियस ऑफ से टेन किलोमीटर्स टेन ट्वेंटी किलोमीटर्स हजारों लोग लेते होंगे उसमें से आपको कितने चाहिए पांच दस तो हजारों में से दस लोग मिलना क्या बहुत मुश्किल है हो गया आपका काम शुरू और कहां से हुआ घर से हो गया और मोबाइल से हो गया और ये जो टारगेट है इसको आप हिट कर सकते हो अगले कुछ महीनों के अंदर अंदर कोई ये नहीं आपको दस साल लगेंगे वहां तक पहुंचने में एक बार आप सीख गए कैसे बात करते हैं क्या करते हैं तो धीरे धीरे आप इसमें आगे बढ़ते चले जाओगे यानी कितना आगे जा सकते हो उसकी कोई लिमिट नहीं है अच्छी चीज क्या होती है बिजनेस में अपर लिमिट कोई नहीं होती है जैसे जॉब में एक लिमिट आ जाती है उस लिमिट के बियॉन्ड आगे जा पाना बड़ा मुश्किल होता है बट बिजनेस में कोई अपर लिमिट नहीं है मार्केटिंग बजट बढ़ा दो प्लस टीम बढ़ा लो

दिस इज द बिगेस्ट आर्ट इन अजनेस यानी बिजनेस में चीजों को सिंप्लीफाई करना होता है लोग क्या करते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं बिजनेस को अगर कोई ऐसा बिजनेस प्लान है ना जिसको आप एक पेज में एक्सप्लेन नहीं कर सकते या एक लेमैन को नहीं समझा सकते जो नॉन बिजनेस बैकग्राउंड से है तो बिजनेस प्लान बेकार है बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो किसी टीनेजर को भी समझाया जा सके कि कोई पंद्रह सोलह साल का बच्चा है उसको भी बैठ के आराम से समझाया जा सके और वो कहे हाँ समझ आ रहा है और मैं कर सकता हूं तो समझ जाओ कि वो बिजनेस एक्चुअल में साउंड बिजनेस मॉडल है नहीं तो हवा में आदमी कुछ भी अपने माइंड में बिजनेस क्रिएट कर लेता है बिजनेस मॉडल उल्टे सीधे बना लेता है जिसमें बहुत इन्वेस्टमेंट होती है एंड में वो खुद ही उसमें जाकर के फंस जाता है मैंने जो आपको बताया है, उसमें बेर मिनिमम इन्वेस्टमेंट है यानी दो चार सौ डॉलर में आप स्टार्ट कर सकते हो बस आपकी एक लिस्टिंग की कॉस्ट है और एक एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट है ऑनलाइन बस खत्म और कुछ भी कॉस्ट नहीं है आपकी